क्या आप जानते हैं कि आज के बॉलीवुड सुपरस्टार शाहिद कपूर, जिन्होंने इंडस्ट्री को मुत्तहिद कामयाब प्रोजेक्ट्स दिए, एक वक्त ऐसा था जब वो अदाकारा ऐश्वर्या राय की फिल्म में बैकग्राउंड डांसर थे। शाहिद कपूर ने अपना बॉलीवुड डेब्यू 2003 की कामयाब फिल्म इश्क विश्क से किया था, जिसमें इनके हमरा अदाकारा अमृता राव मरकजी किरदार में नजर आई थी। इससे कबल शाहिद ने कई फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर का किरदार निभाया। इन्हीं में से एक फिल्म ऐश्वर्या राय की थी। ये सुपरहिट फिल्म ताल थी, जो 1999 में रिलीज हुई थी। फिल्म के गाने कहीं आग लगे लग जाए में शाहिद ने ऐश्वर्या के हमरा बैकग्राउंड डांस किया था। ताल में ऐश्वर्या के हमरा अदाकार अक्षय खन्ना और अनिल कपूर थे। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान शाहिद कपूर ने अपने इस दिन को बेवक्त जिंदगी का बदतरीन और बेहतरीन दिन करार दिया। अदाकार ने कहा, मुझे याद है जिस दिन इस गाने की शूट थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं इस जमाने में मोटरसाइकिल चलाता था। इस रोज मेरी बाइक गिर गई। मैं सेट पर काफी बुरी हालत में पहुंचा था। फिर मुझे ऐश्वर्या के साथ इसी गाने में डांस का मौका मिला। ये मेरे लिए यादगार है। इससे कबल शाहिद कपूर ने 1997 की ब्लॉकबस्टर म्यूजिकल फिल्म दिल तो पागल है में भी बतौर बैकग्राउंड डांसर काम कर चुके हैं। दिल तो पागल है में शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर और अक्षय कुमार ने अहम किरदार निभाए थे।